आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है और दूसरा कि जिस तरीके से परिवारवाद इसमें बड़ा हावी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर भारतीय झूठ पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के लोग हैं जो, क्योंकि समाज। नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थिंकर टीवी। हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव जी। इनका बहुत स्वागत करता हूं मैं सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं द थिंकर टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज बातचीत करने के लिए आपने हमें समय दिया, इसके लिए आभार। सर, पहला सवाल हम रहेंगे कि मध्य प्रदेश में पार्टी की प्राथमिकताएँ और क्या एजेंडा है? समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने संगठन का विस्तार कर रही है, जिसमें प्रदेश की 55 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें 9 विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और उसके बाद सभी विंगों के दौरे शुरू हो गए हैं। अभी मेरा भी 10 जिलों का जो दौरा था 5 दिवसीय दौरा था, कल से फिर चालू होने वाला है। और समाजवादी पार्टी का पहला जो योजना है वो हमें जिले की कार्यकारिणी बनानी है, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद में ब्लॉक और बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, जिससे कि हम आने वाले समय 2028 में पार्टी की सरकार बना सकें। सर, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए पार्टी की कैसा प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश में? सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, युवाओं को भी भागीदारी दी गई है, महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है और आगे भी हम लोग प्रतिदिन नए लोगों को जोड़ रहे हैं। और समाजवादी विचारधारा और श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में अभी तक हजारों कार्यकर्ता 2 महीने में जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में हर रोज अच्छे अच्छे लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं और हर वर्ग का, युवा का, छात्र का, नौजवान का, किसान का, सभी का ध्यान भी रखा जा रहा है। सर, हमने पिछले चुनाव में देखा कि बसपा और सपा मध्य प्रदेश में आई और कांग्रेस बीजेपी में सेंध भी लगाई, लेकिन पिछले चुनाव में कहाँ चूक रह गई जिसके चलते एक भी सीट नहीं आ पाई यहाँ पर? अचानक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पहले हम लोगों की बात कांग्रेस के साथ समझौते की चल रही थी, तो वो परिस्थितियाँ अलग थी, फिर बाद में समझौता टूट गया, तो उसकी वजह से आनंद फानन में जो परिस्थितियाँ बनी, मध्य प्रदेश के हालात बने, तो उसमें परिणाम जरूर अच्छा नहीं आया है, लेकिन हर विफलता के साथ हम लोग कुछ सीख लेते हैं और उस सीख को लेते हुए हम लोगों ने जो संगठन का काम हमारा विस्तार जमीन लेवल पर नहीं था वो शुरू कर दिया है और निश्चित तौर पर 6 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े संगठन का विस्तार यहाँ दिखेगा। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि लगातार जो ट्रोल्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है और दूसरा कि जिस तरीके से परिवारवाद इसमें बड़ा हावी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर भारतीय झूठ पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के लोग हैं जो, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर वर्ग का ध्यान रखती है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को देखेंगे अभी तो जो टिकट वितरण लोकसभा में हुआ पूरे पीडीए के तहत ध्यान रखा गया, मेरी स्वयं की कार्यकारिणी देख लीजिए, इससे पहले मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष श्री रमण सिंह पटेल थे मध्य प्रदेश के, तो आप बताइए कहाँ यादवाद देख रहा है। अभी जो बाकी बैंकें बनाई हैं सबको स्थान दिया गया है, तो ये तो सिर्फ जिन लोगों को मुद्दे नहीं मिलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि वर्ल्ड वाइज उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, विकास के मुद्दों में ले लीजिए, चाहे यमुना जो लखनऊ एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे लोहिया पार्क ले लीजिए, वहाँ का बस अड्डा ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर ले लीजिए, कुछ भी आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड क्लास हाईटेक क्वालिटी में बनाई गई चीज़ें हैं, तो ये विकास से कोई तोड़ मिलता नहीं है, कोई भ्रष्टाचार मिलता नहीं है, तो ये लोग क्या है झूठे आरोप लगा के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता समझदार हो चुकी है, लोकसभा में देखेंगे ये लोग हार चुके थे, 80 सीटों पर बेईमानी करके इन्होंने सरकार बनाई है और ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है, तो जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ झूठ बोल के हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता भी अब समझ रही है, आने वाले समय में इनको जवाब देगी। और जो अभी उपचुनाव का परिणाम आया है पूरे देश में सारी सीटें हारे हैं ये, तो आने वाले समय में भी ये हारेंगे और देश से इनकी जितने अच्छी तरीके से आए थे विदाई भी उतनी अच्छी तरीके से होगी। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी, जिनकी आपने बातें सुनी। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही हम मध्य प्रदेश में विकास करेंगे अगर हमारी आगामी दिनों में सरकार आती है तो। ऐसे तमाम इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए हमारा द थिंकर टीवी। धन्यवाद सर।